मित्रों, बुंदेली माटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वैसे तो खजुराहो के मंदिरों को तीन समूहों में बांटा गया है, पूर्वी मंदिर समूह, पश्चिमी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह। पूर्वी मंदिर समूह में बावन, जवारी, ब्रह्मा और जैन मंदिर आते हैं। पश्चिमी मंदिर समूह में 12 मंदिर हैं, जिसमें 5 बड़े मंदिर लक्ष्मण, विश्वनाथ, कंदारिया, देवी जगदम्बा और चित्रगुप्त हैं, और 7 इसमें छोटे छोटे मंदिर हैं। एवं दक्षिणी मंदिर समूह में दूल्हादेव, चतुर्भुज और बीजा मंडल सम्मिलित हैं। दूल्हादेव और बीजा मंडल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलते हैं पश्चिमी मंदिर समूह की ओर। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर भारतीयों की टिकट 40 रुपये और विदेशियों की 600 रुपये है। इसमें आप चाहें तो ऑनलाइन या एटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है तो ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, बाकी समय आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल याद रखें कि टिकट का इस्तेमाल आप एक ही बार कर सकते हैं। यदि आप अंदर गए तो बाहर आने के बाद आपको नया टिकट ही खरीदना पड़ेगा। तो चलते हैं हम विश्व प्रसिद्ध कंदारिया महादेव की ओर। मंदिर के बारे में बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री श्यामलाल रजक जी, जो कि टूरिस्ट गाइड हैं और हम सबको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल बुंदेली माटी के साथ। तो आपका स्वागत है खजुराहो में, और मेरा नाम है श्याम लाल रजक। मुझे यहाँ करीब 15 वर्ष टूरिस्ट गाइड का काम करते करते हो गया है, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से संबंधित हूँ। कि जहाँ तक हम खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं, तो सभी के सभी मंदिर लगभग 1000 से 1100 वर्ष पुराने हैं, मगर यह मंदिर जो पीछे हम देख रहे हैं यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की विशेषता इसका आर्किटेक्चर, क्योंकि जो हम नागरा शैली के मंदिरों की अगर बात करें तो उसमें त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ शैलियाँ होती हैं। ये सप्तरथ शैली का सबसे डेवलप मंदिर माना जाता है। यह भगवान शिव को डेडिकेट करता है। यह मंदिर बना है 1025 से 1050 के मध्य में, और मोहम्मद गजनी को हराने के बाद विद्याधर ने इसका निर्माण किया था। यह पंचतंत्र शैली का मंदिर हुआ करता था। इसके चार कोने पर 4 मंदिर थे किसी समय, मगर इत्तेफाक से जब वो मंदिर ढह गए, गिर गए, तो उनके अवशेष हम देखते हैं इसके चबूतरे के आसपास लगा दिए गए, जो रैंडमली लगे हैं। इसकी ऊंचाई है 117 फिट। इसमें अगर हम साइड से देखेंगे मंदिर को, तो मंदिर में लगभग 108 शिखर दिखते हैं, हालांकि सिर्फ कॉर्नर से 84 शिखर से में देखते हैं, और जो 84 कॉर्नर पर शिखर बनाए गए हैं वह 84 लाख योनियों के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें व्हाइट मार्बल का शिवलिंग है, जो एकदम ऐसा लगता था किसी समय जैसे ज्योति जल रही हो, जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें उस शिवलिंग के ऊपर पड़ती थी। इसका दरवाजा अगर हम देखते हैं दो बिल्कुल दूर से, तो दरवाजा लगता है गुफा के समान, इसलिए मंदिर का नाम हो गया कंदारिया महादेव मंदिर। ये सबसे खूबसूरत मंदिर है। इसकी फिगर की जो क्वालिटी है, हर एक जो मंदिर खजुराहो का उससे रिफाइन है। इसमें फिगर ऊंचे भी हैं, स्लिम बॉडी भी है, टेक्सटाइल बहुत ही रिफाइन है, ऑर्नामेंट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, और बॉडी का जो प्रपोर्शन है इससे अच्छा मंदिर में किसी में नहीं, जितना बॉडी का प्रपोर्शन फिगर में इस मंदिर में डाला गया है। हालांकि इस मंदिर के हर एक कोने पर हाथी बनाए गए थे, और आप देख सकते हैं कुछ एक हाथी हैं, अधिकांश हाथी इसके मिसिंग हैं। और मंदिर को 4 शिखर में डिवाइड किया गया है। ये 4 शिखर 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर 4 शिखर के रूप में दिखाए गए हैं। कभी यहाँ पर 3 सेपरेट मंदिर हुआ करते थे, वर्तमान में हम देखते हैं ये तीनों ही मंदिर एक ही चबूतरे पर जोड़ दिए गए। ये छोटे सा दिख रहा है एंट्रेंस इस मंदिर का, ये महादेव मंदिर कहलाता है। ये कभी शिव का मंदिर था, उसमें कुछ भी नहीं है, शेर को बाद में रख दिया गया, जो चंदला राजवंश का राजकीय प्रतीक है। मगर आप देखेंगे जो फिगर की क्वालिटी है वह सबसे बेस्ट मैंने कहा था कंदारिया महादेव में है, मगर
उसके पहले लगभग 20-22 साल पहले वो मंदिर बना है, पार्वती मंदिर। तो उसमें भी समकालीन जो आर्किटेक्चर है वो आपको दिखेगा, मगर उस मंदिर का थोड़ा सा रिनोवेशन भी हम देख सकते हैं जो ईंटों चूने का है। इसकी सबसे खूबसूरती वाली चीज क्या है, आप देख सकते हैं इसका एंट्रेंस पोर्च है मकर तोरण, और मकर तोरण में हम देखते हैं मगर के मुंह से या कभी मगर के ऊपर से गंगा को बहते हुए दिखाते हैं, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रही है। ये प्यूरिफिकेशन का प्रतीक है, यानी जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं हम ऑटोमेटिक गंगा स्नान कर लेते हैं। नीचे हालांकि चंद्रशिला भी रहेगा, एक चंद्रमा के आकार का कटा हुआ पत्थर होता है, शंख भी होते हैं, वो शांति का प्रतीक है। नॉर्मली जिस मंदिर में हम जाते हैं उस देवता को बिल्कुल सामने रखते हैं, वो कहलाता फसाद है, ललाट बिंब। वहाँ हम देखते हैं शिव पार्वती, चूँकि शिव का मंदिर है, अगर विष्णु का मंदिर होता तो वहाँ पर निश्चित तौर पर विष्णु को रखते। मगर दो देवता ऐसे हैं जो किसी भी मंदिर में कहीं भी आ सकते हैं, वो है गणेश और भगवान सूर्य। फिर हम देखते हैं चूँकि शिव का मंदिर है, शिव तंत्र के जनक माने जाते हैं, इसमें सप्त मातृकाओं को भी दिखा दिया गया। इसमें चामुंडा भी मिलेंगी हमको, इसमें वराही भी मिलेंगी, इंद्राणी मिलेंगी, महेश्वरी मिलेंगी, ब्रह्माणी मिलेंगी, तो इसमें सप्त मातृकाओं को भी दिखा देते हैं। इसमें जो शिखर हैं, अगर हम कोने पर चलेंगे तो उसमें हम देखते हैं शिखर की संख्या होती है इसमें 84, जो 84 लाख योनियों का प्रतीक है। हालांकि टोटल इसमें 108 शिखर हैं, और ये सबसे ऊंचा सबसे भव्य मंदिर है। इसकी हाइट है 117 फिट, जो लगभग 10 मंजिल जितनी हाइट की बिल्डिंग होती है उतनी हाइट इस मंदिर की है। और इसका दरवाजा दूर से देखने पर गुफा के समान लगता है, जब हम मंदिर के नजदीक आते हैं तो वह व्यू गायब से लगता है। जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म से इस मंदिर को देखते हैं, जो दूसरा मंदिर है उसके प्लेटफॉर्म से, तो उसकी हाइट परफेक्ट दिखती है। हम देखते हैं बिल्कुल माउंटेन की तरीके से जा रहा है, जैसे माउंट कैलाश होता है, जैसे हिमालय होता है, उसी की चोटी के आकार का यह मंदिर जा रहा है। कुछ हिस्सा थोड़ा सा रेनोवेट भी हो चुका है। दरअसल मंदिर में लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन होता है कि आखिर जब मंदिर की सीलिंग हम अंदर से देखते हैं और ऊपर की सीलिंग जो हाइट में अधिक है तो मध्य में क्या है, तो मध्य में इसमें हॉलो है। और हर एक मंदिर में हॉलो रखा जाता था जिसका काम होता था विंटर इंसुलेशन का, साथ में ऑक्सीजन रहती है क्योंकि मंदिर पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड में जीवन की कल्पना हम बगैर ऑक्सीजन के नहीं करते हैं, इसलिए हर एक मंदिर में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है, हॉलो रहता है। और जितनी भी सीलिंग है मंदिरों में, सभी की सभी सीलिंग लोटस के समान होती है, जो प्यूरिफिकेशन का प्रतीक माना जाता है। और जो भी हमारे तंत्र हैं या जो भी हमारी कुंडली हैं उसको हम मानते हैं, ये लोटस के शेप में हमारे अंदर रहती हैं, और जब हम उसको ओपन करते हैं तभी वो चक्र और कुंडली जागृत होती है और हम ईश्वर की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। धन्यवाद भाई साहब बुंदेली माटी की ओर से, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।